उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से बादल फटने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार क्षेत्र के मांदड़ा तोक के पास बीते शुक्रवार देर रात बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। इस बीच भारी भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की भी मलबे में दबने से जान चली गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आपदा कंट्रोल रूम टिहरी गढ़वाल को शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि घनसाली के ग्राम तोली में करीब 1:30 बजे एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया है। ग्रामीणों ने आपदा कंट्रोल रूम को दी गई सूचना में यह भी बताया कि भूस्खलन की चपेट में आने से घर के भीतर मौजूद एक महिला सरिता देवी और उसकी 15 वर्षीय बेटी अंकिता भी मलबे के नीचे दब गए हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और SDRF, PWD, नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम मलबे के ढेर से उनके शवों को बरामद करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसमें मां का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक बेटी का शव बरामद नहीं हो सका है। आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल जिले में बालगंगा नदी भी रौद्र रूप ले चुकी है। वहीं भारी बारिश से तीनगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी मलबे की चपेट में आ गया। इतना ही नहीं, जिले के कई मोटर मार्ग भी वॉश आउट हो चुके हैं तथा गाँव के ग्रामीणों की कृषि भूमि भी आपदा की भेंट चढ़ गयी है। बादल फटने से जहाँ आसपास के सभी नदी नाले गधेरे उफान पर आ गए हैं, वहीं बालगंगा नदी में भारी बाढ़ आ गई है। बालगंगा नदी का यह रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। इससे आसपास के गैवाली, तोली, जांखड़ा, विशन, तिनगढ़ और बूढ़ा केदार जैसे कई ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए हैं। इन गांवों के ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को बालगंगा नदी ने अपनी लहरों के आगोश में समा लिया है। इतना ही नहीं, शुक्रवार देर रात को बूढ़ा केदार में बालगंगा नदी के किनारे बना ग्रामीण मनमोहन रावत का 4 कमरों का आवासीय मकान भी बाढ़ में बह गया। इस संबंध में मनमोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रात में नदी में पानी बढ़ता देख वह अपनी मां फूलदेई के साथ बाहर आकर सुरक्षित स्थान की ओर चला गया। उधर दूसरी ओर जिले के भिलंगना ब्लॉक में भी भीषण बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भिलंगना ब्लॉक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।